लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने आज नवंबर मनपा चुनाव को आगे बढ़ाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहराया। नवंबर कांग्रेस के नवीनीकृत कार्यालय का उद्घाटन करने आए नाना पटोले ने कहा कि फडणवीस के कारण ही आज कई मनपाओं में चुनाव की बजाय प्रशासकों की नियुक्ति हो गई है। नाना पटोले ने गणेश नाइक का नाम लिए बिना कहा कि नवंबर में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इससे जनता कांग्रेस की सत्ता चाहती है। उन्होंने दावा किया कि मनपा की सभी 111 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और अपना महापौर भी बनाएगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस खड़ी करने का संकल्प हम सब लोगों ने मिलकर किया है, तो इसमें बड़ा छोटा पद नहीं होता, इसमें और कोई उत्तर भारतीय और ये सब नहीं होता। हम लोकल बॉडीज इलेक्शन खुद के बलबूते लड़ेंगी, कांग्रेस किसी से अलायंस नहीं करेंगी, ये हमने कह दिया है। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रांताध्यक्ष नाना पटोले ने आज नवंबर कांग्रेस के नवीनीकृत पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान मत्स्य और पत्तन मंत्री असलम शेख, पूर्व मंत्री आरिफ नसीम खान और प्रभारी बीएम संदीप, प्रदेश सचिव संतोष शेट्टी और यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुबिन थॉमस समेत तमाम नेता मौजूद थे। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नाना पटोले ने दावा किया कि नवंबर कांग्रेस मनपा की सभी 111 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़कर गए कार्यकर्ताओं को वापस लाएंगे और संगठन को नए सिरे से मजबूत बनाएंगे। नाना पटोले ने यहाँ मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड भी प्रदान किया और 7000 परिवारों के लिए खाद्यान्न किट के वितरण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। नवंबर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक के सौजन्य से उपलब्ध कराए गए इस खाद्यान्न को जरूरतमंद परिवारों में बांटा जाएगा। लोकांना काँग्रेसच आता सत्तेमध्ये पाहिजे। नवी मुंबईमध्ये ज्या दृष्टीनं विचारानंही नवीन शहर बसवलं गेलं होतं, नवी मुंबई शहर, त्या विचारालाही मूठमाती इथं बसलेल्या काही सत्ताधीशांनी केली। मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढला, मोठ्या प्रमाणात या शहरात गुन्हेगारी वाढली आणि म्हणून पुन्हा लोकांना या शहरामध्ये काँग्रेस पाहिजे अशी भूमिका लोकांची आहे आणि म्हणून आम्ही आमच्या सगळ्या या शहरातल्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना सूचना दिलेल्या आहेत की आपण जनतेपर्यंत पोहोचा, त्यांच्या दुःखामध्ये सामील व्हा आणि पुन्हा त्यांना काँग्रेसकडे आणून या ठिकाणी काँग्रेसचाच विचाराचा महापौर पुढच्या काळात यावा, ही अपेक्षा आमची आहे। प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने आंतरिक गुटबाजी के कारण जिलाध्यक्ष को हटाए जाने के लिए चल रही साजिश के सवाल पर कहा कि कांग्रेस पर प्रांतीयता पर नहीं बल्कि सेक्युलर विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, इसलिए किसी के साथ भी ऐसा पक्षपात नहीं होगा। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि हमें रिजल्ट चाहिए, जो रिजल्ट दिखाएगा पार्टी उसे आगे बढ़ाएगी। आइए सुनाते हैं नाना पटोले ने और क्या कुछ कहा। एक घरात राहायचं असेल आप साथ मतभेद नसलच पाहिजे, ये पहले मिटवलं पाहिजे आणि मतभेद मिटवायची क्षमता नसेल तर दुसऱ्यांना संधी मिळणार आहे, हा एक। दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न, संघटना ही कोण्या एका व्यक्तीची नसते, त्या विचाराच्या असंख्य लाखो लोकांची संघटना असते आणि प्रत्येकाला संघटनेमध्ये संधी मिळावी ही अपेक्षा प्रत्येकाला असलीच पाहिजे, त्याला काय चुकीचं काय। पक्ष एका माणसाचा नसतो, त्याच्यामुळे अनेक बदल ही सुद्धा आम्ही आता करणार आहोत आणि ते बदल आपल्याला पाहायला मिळतील। गौरतलब है कि 12 साल बाद कांग्रेस के नवीनीकृत कार्यालय का नवीनीकरण किया गया है। यहां पार्टी पदाधिकारियों के लिए अलग से केबिन, बैठक सभागार, कॉन्फ्रेंस रूम, पार्टी वार रूम समेत तमाम इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक ने इसे पार्टी का मंदिर करार दिया। प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने भी इसकी सराहना की। अनिल कौशिक ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है
जब नवी मुंबई कांग्रेस ने एक साथ हजारों परिवारों को खाद्यान्न वितरित करने का काम किया है ताकि उन्हें कोरोना और लॉकडाउन के काल में राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।